आप देख रहे हैं साधना और समाधान। अगर किसी व्यक्ति के शरीर को भूत प्रेत की बुरी शक्ति ने बांध रखा है, कोई आपके शरीर के ऊपर बंधन है किसी बुरी शक्ति का, किसी बुरी छाया का, तब आप उस बंधन को 5 मिनट में दूर कर सकते हैं इस टोटके के द्वारा। तो क्या है इसकी संपूर्ण विधि, तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज यह जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपके शरीर के ऊपर कोई भूत प्रेत का बंधन है, किसी बुरी शक्ति का कोई बंधन है, अगर आपके ऊपर किसी भूत प्रेत की बुरी छाया है, वह जो भूत प्रेत की बुरी छाया है कहीं से भी लगी हो, चुराहे से लगी हो, या किसी ने लगाई हो, या फिर कोई आपके घर का ऐसा प्रेत है जिसका निवारण नहीं हो पा रहा, तो आप उस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर के ऊपर से भी आप यह जो भूत प्रेत की बुरी छाया है इसको आप उतार सकते हैं। चाहे आप साधक हैं या साधक नहीं, तब भी आप उतार सकते हैं, क्योंकि इसके लिए किसी मंत्र का उच्चारण करने की जरूरत नहीं, केवल इस टोटके की विधि को ही आपने अपनाना है। तो 5 मिनट में आप अपनी आंखों के सामने रिजल्ट देखेंगे। जो भी कोई भूत प्रेत का बंधन होगा, जो भी कोई बुरी शक्ति होगी, तो तुरंत उसका निवारण हो जाएगा। इसके लिए जिस सामग्री की आपको जरूरत पड़ेगी, तो अब मैं वह सामग्री आपको बताने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। तो इसके लिए आपने एक साबुत नींबू लेना है, एक साबुत नींबू, और एक आपने जो कपड़े को जिससे हम बटन वगैरह लगाते हैं, कमीज वगैरह के ऊपर बटन लगाने वाली जो सुई होती है, एक आपने वह सुई को आपने लेकर आना है जिसमें धागा परोया जाता है, वो सुई आपने लेकर आनी है, और एक आपने लेकर आना है साबुत नींबू। और इसके लिए आपने 2 डंडी वाली सूखी हुई लाल मिर्च को लेकर आना है, और 2 आपने साबुत लौंगों को इसके लिए लेकर आना है, और 2 आपने लेकर आने हैं बूंदी वाले लड्डू। केवल यही सामग्री है इसके लिए। और जिस व्यक्ति के ऊपर भी भूत प्रेत का बंधन है, किसी बुरी शक्ति का बंधन है, उस व्यक्ति को आप नीचे धरती के ऊपर आसन लगाकर ऐसे ही उसको नीचे बिठा लें, और उसके सामने रात्रि के समय और किसी भी दिन आप इस उतारे को कर सकते हैं, जब सूर्य अस्त हो जाए, तो रात्रि के समय आपने थोड़ी सी अग्नि चेतन करनी है, गोबर के कंडे, गोबर के उपले को या लकड़ी को जलाने के बाद आग तैयार करनी है, अंगियारी तैयार करनी है, और उस व्यक्ति के सामने ये अंगियारी रख दें, और अंगियारी रखने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दें। सरसों का तेल डालने के बाद तिल्ली के द्वारा उसमें अग्नि चेतन कर दें। तब आपने माता काली, बाबा भैरवनाथ, माता मसानी मेलडी का ध्यान धरना है, 3 शक्तियों को याद करना है, माता काली, बाबा भैरवनाथ और माता मसानी मेलडी, क्योंकि उन्हीं का उतारा है, इन्हीं के द्वारा ये बंधन होगा। जो भी आपके शरीर के ऊपर है उसका पूर्ण रूप से उतारा हो जाएगा। जो भी कोई बुरी शक्ति है तो चलाकर तुरंत आप देखेंगे कि 5 मिनट में निवारण होगा। और 1 गिलास कोई सामने उस व्यक्ति के पानी का भरकर रख लें। जब उसमें अग्नि चेतन हो जाए, तब आपने 3 शक्तियों का, आदि शक्ति माता काली, बाबा भैरवनाथ, माता मसानी मेलडी का ध्यान धरते हुए, जो वह डंडी वाली सूखी हुई लाल मिर्च है वह 2 लाल मिर्च को ले लेना है, और 2 लौंगों को ले लेना है, और जो वह 2 लड्डू हैं, थोड़ा थोड़ा सा लड्डू का भोग उसमें से निकालने के बाद थोड़ा थोड़ा सा भोग उसमें से आपने इसके साथ ले लेना है, 2 मिर्ची के साथ, और वह जो 2 लौंग हैं, थोड़ा थोड़ा सा लड्डू को तोड़ने के बाद आपने इस अग्नि में आहूति दे देनी है। आदि शक्ति माता काली का ध्यान धरते हुए
बाबा भैरवनाथ का ध्यान धरते हुए और माता मसानी मेलडी का ध्यान धरते हुए, तो उसके बाद आपने अग्नि में इसको डाल देना है और उस व्यक्ति की जो आंखें हैं इस अग्नि की तरफ होनी चाहिए। तो तुरंत उस व्यक्ति के ऊपर माता काली, बाबा भैरवनाथ और माता मसानी मेलडी का पहरा लगेगा और जो भी कोई भूत प्रेत की कोई बुरी शक्ति होगी वह चिल्लाने लगेगी, उसके शरीर से बाहर निकलेगी तुरंत जब आप इस उतारे को करेंगे इस विधि के अनुसार। और उसके बाद आपने क्या करना है, वह जो जल का गिलास है, वह जो पानी आपने सामने रखा है, उसके ऊपर से 7 बार ले एंटी क्लॉकवाइज, जो वह अग्नि चेतन है, और उसके ऊपर से वारने के बाद उस व्यक्ति के ऊपर छींटा दे दें उस जल का, और थोड़ा सा उस व्यक्ति को जल पिला दें उसी में से, और उसके बाद आपने उस गिलास को नीचे रख देना है, वह जो जल का गिलास है। तो उसके बाद वह जो नींबू है नींबू को उठाना है और 7 बार एंटी क्लॉक वाइज उल्टा उसके सर के ऊपर से वारना है आपने तुरंत, जब वह भूत प्रेत की जो बुरी शक्ति है वह दूर हो जाए, वह व्यक्ति सामान्य रूप में जब आ जाए तब आपने नींबू को वारना है। उससे वचन ले लेने हैं कि द्वारा से आपने इसके शरीर में नहीं आना, वरना यही शक्ति हम द्वारा से आपके ऊपर लगाएंगे तो वह बुरी शक्ति आपके शरीर से बाहर चली जाएगी। और उसके बाद उस नींबू को 7 बार एंटी क्लॉक वाइज उस व्यक्ति के ऊपर से वारने के बाद वह जो सुई है जिसमें धागा पुरोया जाता है उसमें आपने गाड़ देनी है उस नींबू में, और उस नींबू में इस सुई को गाड़ देने के बाद तुरंत उसको घर से बाहर लेकर जाना है उस नींबू को, और रात्रि के समय ये उतारा करना है जब सूर्य अस्त हो जाए। जब आप इस नींबू को घर से बाहर लेकर जाएंगे तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना, किसी के साथ बात नहीं करना, इसको घर से बाहर ले जाने के बाद किसी खुले कलर मैदान चौगान में या शमशान में तो वहाँ पर इसको ले जाएं और खड्डा खोद लें नीचे जहाँ पर कोई आता जाता ना, खड्डा खोदने के बाद वह जो नींबू है और जो उसमें सुई है उस खड्डे में इसको दबा कर आपने आ जाना है। तो ऐसे आपके शरीर से जो बुरी शक्ति का कोई बंधन है वह दूर हो जाएगा और आप यह जो चमत्कार है आप अपनी आँखों से देखेंगे। तो ऐसे आप हर बुरी शक्ति का जो बंधन है आप अपने शरीर से दूर कर सकते हैं इस सरल से उतारे के द्वारा। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं, गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु जैसे घर का कीलन मन चाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं। तो अगर वीडियो बढ़िया लगे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साधन और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ।